अकेले डोसा खा रहे? हाँ, भी मेरा भी है और मेरी तो कोक भी है। हो? कितना बड़ा डोसा, टेस्टी है बहुत। करवा चौथ की थोड़ी सी शॉपिंग करना है, मैं और बेबे तो शॉपिंग करते करते भूख लग गई। तो यहाँ रेस्टोरेंट है यमी बाइट्स, यमी बाइट्स, यमी बाइट्स, उसका हम डोसा ट्राई करेंगे। क्योंकि कहीं पे भी हम खाने जाते हैं या कुछ भी, तो हमें सबसे पहले डोसा ट्राई करना होता है। कि मेरे को ऐसा लगता है जिस रेस्टोरेंट का डोसा बहुत अच्छा होगा वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होगा, उसकी हर आइटम अच्छी होगी। कि आई लव डोसा, विवेक को भी पसंद है। लेकिन ये डोसा बहुत टेस्टी है और इसकी जो नारियल चटनी है ना बहुत यमी है, बहुत स्पाइसी है और यमी भी है। सांभर कैसा है? Yes. बढ़िया डोसा भैया, बढ़िया डोसा बना है, बहुत टेस्टी है। और हम सब भी प्यारी हैं। कैसे लगा डोसा? अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, उसके बाद हम फिर से जाएंगे देखेंगे कुछ। वैसे तो मैं कल शॉपिंग करके आई थी, लेकिन कुछ रिमेनिंग है उसकी शॉपिंग करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ रह गया उसकी शॉपिंग करेंगे। अभी अभी हम आए मेहरपुर में, डोसा ट्राई करते। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्यों सही बोल, अपडेट देते हैं आपको। हाय भाई, आपको मैं रेस्टोरेंट दिखा रहा। वॉल पेंटिंग्स भी अच्छी हैं, टेस्ट मैच लगा है, इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच। ये हमारी जनरेशन ही है जो टेस्ट मैच देख रही है, आगे नहीं देखने वाला कोई। क्यों? और ये क्रिकेट के लवर हम भी थे अपने टाइम में। खा लेती हूँ अपना डोसा, विवेक ने आधा कर दिया। कहीं मेरी मेरी प्लेट में ना हाथ मार ले, मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। अब एक ऐसा रिचुअल जो हर इंडियन निभाता है जब भी वो स्ट्रीट फूड खाता है, पता क्या? गोलगप्पे खाओ तो सूखी पापड़ी, डोसा खाओ तो नारियल चटनी एक्स्ट्रा। मैं मंगाने वाली हूँ विद इन 5 और 7 मिनट। हमारा डोसा तो खत्म हो गया और ये अल्टीमेट था। 90 रुपीज इसकी कॉस्ट है। यमी बाइट है ये महकपुर में, ट्राई करना जरूर। डोसा इज वेरी गुड और चटनी भी बहुत अच्छी है। यस, बाय।